हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी तोसी चौधरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर पर ही बीटरूट सीरम बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, बीटरूट में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन के होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सीरम हमारी स्किन को गोरा बनाता है और एक पिंकिश ग्लो हमारे फेस पर लेकर आता है। इससे जो हमारे फेस के डार्क स्पॉट्स होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं, झाइयाँ होती हैं, उनको भी ख़त्म करता है। तो चलो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले एक चकुंदर ले लेंगे, उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसको पिल ऑफ कर लेंगे चकुंदर को अच्छे से। धुलने के बाद उसको पिल ऑफ कर लेंगे। हो गई है। अब हम इसको कद्दूकस की मदद से कस लेंगे। ये मैंने कर लिया है और अब हम एक क्लीन बॉल ले लेंगे और एक छलनी ले लेंगे और इसमें उठा लेंगे और चम्मच की मदद से इसका जूस निकाल लेंगे चकुंदर का। देखिए फ्रेंड्स, ये इस सीरम से आपके फेस पे रोज ही पिंक ग्लो आ जाएगा। हो गया। अब फ्रेंड्स, हम सीरम बनाना स्टार्ट करेंगे। एक क्लीन बॉल ले लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेंगे। ये मैंने प्योर एलोवेरा जेल लिया है, आपको कहीं भी मिल जाएगा ये। दो चम्मच एलोवेरा जेल ले लेंगे फ्रेंड्स। आधा चम्मच ऑलिव ऑयल, अब इसको मिक्स कर लेंगे दोनों को अच्छे से, ऑलिव ऑयल को और एलोवेरा जेल को। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चकुंदर जूस और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम एक चम्मच गुलाब जल डाल लेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, और अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है विटामिन ई कैप्सूल्स। हम 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स ले लेंगे। इसको विटामिन ई ऑयल, विटामिन निकाल, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि आपका सीरम इस कंसिस्टेंसी का नहीं है तो आप उसमें एलोवेरा जेल और मिला सकते हैं। अब लास्ट एंड इम्पोर्टेंट है टी ट्री ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल। इसकी मैं 4 से 5 बूंदें डाल लूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। हमारा सीरम बनके तैयार है। अब हम एक खाली कंटेनर ले लेंगे कोई भी और उसमें इसको कर लेंगे। आप इसको 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये मैंने कर लिया है, अब मैं आपको इसको यूज़ करके बताऊंगी। थोड़ा सा ले लीजिए और अपने फेस पे टैप टैप करके लगा लीजिए। और फिर इसको मसाज कर लीजिए 5 मिनट इस हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पर। ये 2 मिनट मसाज करने के बाद ही अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। फ्रेंड्स, आप इसको रात में यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। आप रात को इसको अपना फेस वॉश करके और सीरम को यूज़ करके और सो जाइए। आपको कुछ ही दिनों में यूज़ करने के इसके इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ये देखिए, बिल्कुल पूरे फेस पे ये एकदम से, पता भी नहीं चल रहा है कि लगाया है और फेस पे पिंक किस ग्लो आ गया है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये लगा लिया और बिल्कुल मतलब पता नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ लगाया भी है। आप रोज़ रात को इसको लगाइए और फिर सो जाइए और सुबह को उठ के नॉर्मल पानी से अपना मुंह वॉश कर लीजिए और फिर कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे आपके फेस में एक पिंकिश ग्लो, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी यूज़ करती हूँ इसको, आप एक बार इसको ज़रूर यूज़ करें फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो? कैसा लगा आपको जो मैंने बीटरूट सीरम बनाना बताया है आपको अभी? उसको आप बनाकर यूज़ कीजिए, और यूज़ करने के बाद अपने जो रिजल्ट हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आपको ये ग्लो सीरम कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स।